बरागटा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर उठाए सवाल। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भाजपा ने देश भर में कांग्रेस पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शिमला में हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। नरेंद्र बरागटा ने कहा है कि भाजपा राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रही है और देश को आज निर्णायक नेता की जरूरत है। भाजपा देश को तीव्र गति में ले जाना चाहती है, जो मोदी ने पिछले 5 सालों में कर दिखाया है। हिंदुस्तान के पहले पीएम जिन्होंने डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में तूफान नहीं बल्कि मोदी की सुनामी आ रही है। मोदी कार्यकाल में चीन बॉर्डर पार कर वर्मा में सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान में 70 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों को मार गिराना, इसका श्रेय भी मोदी को जाता है। भारत पावरफुल श्रेणी में आ गया है। मोदी के कार्यकाल में ही भारत देश अंतरिक्ष में चौथी व आर्थिक शक्ति में 5वें स्थान पर आ गए हैं और सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाते हुए बरागटा ने कहा है कि कांग्रेस देशद्रोह की धारा में बदलाव करना चाह रही है। देश की सीमाओं पर कांग्रेस हमला कर देश के टुकड़े कर रही है। देखिए, सवाल बिल्कुल वाजिब है क्योंकि उनकी बैकग्राउंड फौज की है और जब सीमा पर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं कांग्रेस द्वारा, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, क्या ये वाजिब है? क्या आप डिमोलाइज करना चाहते हैं? क्या आप लाशों को गुनवा करके जो है वो फौज की इंटीग्रिटी पर कोई जो है वो बात कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं? इस बात का हमें जवाब मिलना चाहिए क्योंकि वोटें देनी आखिर में, और लोगों के देश के लोग और खास करके इस क्षेत्र के लोग जो है ये कर्नल सैंडर्स से और कांग्रेस से जानना चाहती है कि उनका स्टैंड जो है ये ऐसा स्टैंड क्यों है कि जिसके कारण से जो है वो फौज डिमोलाइज हो जाती है। और अभी जिस तरह से कुछ एक्स को जो है जिसकी पावर है मिलिट्री के पास, उसको मेंट करने का जो है कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो में जो है मेंशन किया है, उसे अगर उसके साथ हैं तो वो भी बताएं, और अगर नहीं है तो फिर मैनिफेस्टो में क्यों लिखा गया? हमारा लक्ष्य और चारों की चारों सीटें जीतना है जो हम जीत रहे हैं। हिस्टोरिकल विक्ट्री होने वाली है और चारों सीटों में ह्यूज मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एस्टैब्लिश दोबारा से हिमाचल प्रदेश के अंदर करने वाली है। हम इस चुनाव को मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, जो एक निर्णायक लीडर है, जिनके हाथ में देश सुरक्षित है, जो विकास की गौरव गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सीमा में चौकस हो करके लगातार दुश्मनों को ढेर कर रहे हैं, घर में जाकर के उनको मार रहे हैं। और पहली बार हमें लगता है कि देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो डिसाइसिव है, जो निर्णायक है और समय पर निर्णय लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। नंबर 3, विकास में कोई बाधा ना बने, विकास में हम लगातार नए आयाम खड़े करें, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल में अथक प्रयास किए हैं और उसमें कामयाबी मिली है। विजन के साथ चल रहे हैं, जहां देश के सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, जहां विकास की गौरव गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहां वो हर ऐसे वर्ग का ख्याल रख रहे हैं जिनको सचमुच में आवश्यकता है। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।